आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं, उसे पूरा करने का वास्तव में क्या मतलब है? आपने ये वाक्यांश पहले भी सुने होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? मेरे लिए उनका मतलब आपके इरादों को हकीकत बनाना है। अक्सर हम कहेंगे कि हम कुछ करेंगे और हम इसे एक भाग्यशाली वीकेंड में शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई, थकान, ऊब या व्यस्तता के पहले संकेत पर हम इसे बहुत आसानी से छोड़ देते हैं और ये अनंत काल तक हमारे गैरेज में बैठा रहता है। आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करना और उस पर अमल करना, उस सामान्य पाश को तोड़ना और अपने जीवन पर कब्जा करना है। मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव जांच पड़ताल वाला रहा है। एक गर्मियों में मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक लकड़ी की बोट बनाऊंगा जो लगभग 12 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी होगी। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन लकड़ी का काम करने का अनुभव ना रखने वाले आदमी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। पहले हफ्ते में मैंने अपने लकड़ी के ब्लॉक में काफ़ी सेंध लगाई। दूसरे हफ्ते मेरे हाथ दुखने लगे और नई स्टार वॉर्स फिल्म आ गई। तीसरे हफ्ते मैं फिर से स्टार वॉर्स देखने में व्यस्त था और काम टाल रहा था। मेरी लकड़ी की बोट बनने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब भी मैं अपने गैराज से होकर अपनी कार तक जाता था तो बोट मेरे आलस्य और आगे चलने में असमर्थता की याद दिलाती थी। ये मुझ पर तब तक हावी रहा जब तक कि मैंने कुछ गर्मियों के बाद इसे पूरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं कर लिया। आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। पहला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, दूसरा हफ्ता मध्यम रहा और तीसरे हफ्ते में मैं पहले से ही धुएं में चल रहा था। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इसके तुरंत बाद प्रलोभन बंडलिंग के बारे में जानने का मौका मिला, जिससे मुझे अपनी बोट खत्म करने का प्रोत्साहन मिला। संक्षेप में, चूंकि प्रलोभन बंडलिंग बाद में पुस्तक में एक प्रमुख विषय होगा, प्रलोभन बंडलिंग तब होता है जब आप एक अनिवार्य काम को तत्कालिक इनाम के साथ जोड़ते हैं, जब आप अपने आप को कड़ी मेहनत करने के लिए रिश्वत दे सकते हैं। तो जो कुछ आपने शुरू किया था उसे अचानक पूरा करना इच्छा शक्ति का एक बड़ा अभ्यास नहीं है, ये किसी आनंददायक चीज की खोज है, भले ही केवल सहयोग से। बोट नकाशी के साथ मुझे जो इनाम मिला वो था मेरे पसंदीदा एल्बम सुनना, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारे पास इन दिनों शायद ही समय हो। आखिरी बार आपने अपना पसंदीदा एल्बम शुरू से एंड तक बिना किसी रुकावट के कब सुना था? अचानक मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई। यदि मैं किसी भी अप्रिय कार्य को उस चीज़ के साथ जोड़कर काफ़ी सुखद बना सकता हूँ जो मुझे पसंद है, तो मैं लगभग किसी भी चीज़ के माध्यम से अपना रास्ता बना सकता हूँ। ये इस तरह का एक छोटा सा एहसास था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मानव मस्तिष्क के सहज प्रतिरोध के बावजूद अनुसरण करने और क्रियान्वित करने के विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। हम अपनी सबसे बुरी प्रवृत्ति से कैसे बच सकते हैं और जब चाहे तब काम पूरा कर सकते हैं बिना किसी समय सीमा के डर के। हम अपने ध्यान पर कैसे ध्यान दे सकते हैं और वो काम कैसे कर सकते हैं जो सबसे कठिन है, सर्वोच्च असुविधा के साथ जीना। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए बेहतरीन प्रणालियां लेकर आया हूँ जिन्हें किसी भी संदर्भ में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। इस किताब में कई युक्तियां हैं। मैं हर समय उन सभी का उपयोग नहीं करता, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अधिकांश लोगों के लिए काम करेंगी। हमेशा की तरह मैंने ये किताब अपने लिए लिखी है और अपने निष्कर्षों को साझा करने में सक्षम होने पर मुझे खुशी और गर्व है। मुझे आशा है कि वे मददगार होंगे
और आपको वही पूरा करने में मदद करेंगे जो आप चाहते हैं। चैप्टर 1, सोचना बंद करो, बस अमल करो। एस्तेर ने इसके बारे में लाखों बार सोचा है। पिछले 6 सालों से डेस्क जॉब में फंसी हुई उसने कल्पना की कि उसे कागजी काम की एक सार्थक से नहीं जूझना पड़ेगा, उसे किसी मांगलिक बॉस को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और उसे अपने 2 साल के बेटे को घर पर नहीं छोड़ना पड़ेगा, डे केयर सेंटर हर दिन। और वास्तव में ऐसी कल्पनाएं कैसे साकार होंगी जब उसे अपने परिवार के लिए जीविका भी चलानी हो। उसके पास जवाब था। उसने सोचा कि वो घर पर ही अपना खुद का बेकिंग बिजनेस शुरू करेगी। ये सब सिर्फ एक कल्पना थी, एक विचार जो उसे काम के कठिन दिनों से निकालने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन एक दिन कुछ अलग सा महसूस हुआ। किसी कारण से उसने अंततः निर्णय लिया वो ये करने जा रही है। आखिरकार बेकिंग उसका सच्चा जुनून था। सालों से वो अपने दोस्तों के लिए केक और कुकीज़ बनाती रही, जिन्होंने कहा कि उसे इसे बिजनेस में बदलने के बारे में सोचना चाहिए, तो शायद ये इतना बुरा विचार नहीं था, है ना? इस प्रकार एस्तेर की अपना बेकिंग बिजनेस खोलने की खोज शुरू हुई। उसने अभी तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन हालात का परीक्षण शुरू करने के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए आवेदन दिया। सबसे पहले उसने सोचा रिसर्च करें। उसने सोचा कि कोई भी आगे कदम बढ़ाने से पहले उसे इस व्यावसायिक चीज़ को पहले अपने दिमाग में रखना होगा। वो जितनी अधिक तैयार और योजनाबद्ध होगी उतना बेहतर होगा। उनका इरादा इस तरह के उद्यम को शुरू करने के बारे में जानने के लिए व्यंजनों से लेकर वित्त प्रबंधन तक हर चीज पर रिसर्च करने का था। उसके दोस्तों और पूरे पड़ोस को बाजार की ज़रूरतों का एहसास कराने के लिए ये सब उसके दिमाग में आकार लेने लगा था। दुर्भाग्य से एस्तेर के दिमाग में जो कुछ भी आकार ले रहा था वो वहीं रह गया और उसे कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। बेकिंग बिजनेस को शुरू से शुरू करने और चलाने के बारे में सब कुछ सीखने के विचार ने एस्तेर को इतना अभिभूत कर दिया कि वो उस दिशा में कोई भी कदम उठाने से हिचकिचा रही थी। कर, व्यवसाय फाइलिंग, पट्टे, वो बस बेक करना चाहती थी। जब उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो उसे हमेशा अपनी योजना के अलावा अन्य काम करने को मिले। उसने अपने दिन सोते हुए, अपने बेटे पर ध्यान देते हुए, खुद को घरेलू परियोजनाओं में व्यस्त रखने और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलने जुलने में बिताया और उनसे मार्केटिंग इनपुट के बारे में कभी नहीं पूछा। वो इस बात से बहुत चिंतित थी कि अगर उसने लोगों को बिजनेस शुरू करने की इच्छा के बारे में बताना शुरू किया तो वे सोच सकते हैं कि वो अपनी प्रतिभा के स्तर के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, उससे असफल होने की उम्मीद कर सकते हैं या इससे भी बदतर उससे सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं। वो अपने सिर पर मंडराती अपेक्षाओं के विचार से निपट नहीं सकी। इस प्रकार 2 हफ्ते चले गए और एस्तेर जो कुछ करने में कामयाब रही वो छुट्टियों को काटना था। जैसे ही वो काम पर वापस लौटी, अपना खुद का बेकिंग बिजनेस चलाने का विचार उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा, जो अभी भी एक योजना से अधिक एक कल्पना थी। उसे लग रहा था कि वो इसके बारे में कई लाख गुना अधिक सोचना जारी रखेगी। आपके अनुसार एस्तेर की स्थिति में क्या गलत हुआ? क्या उसमें फोकस की कमी थी, आत्म अनुशासन, कार्यवाही, अटलता? यदि आप कहते हैं कि उसमें उपरोक्त सभी का अभाव है तो आप वास्तव में केवल एक अवधारणा की ओर इशारा कर रहे हैं, उसका पालन करना, अनुसरण करना, फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता से संबंधित है। लेकिन ये उनमें से किसी का
पर्याय नहीं है, बल्कि ये एक है। उन सभी का सम्मिश्रण, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि कैसे वे बड़े जापानी एनिमे रोबोट छोटे व्यक्तिगत रोबोट भागों के संयलन से बनते हैं। पावर रेंजर्स या वोल्ट्रॉन विशिष्ट होने के लिए, और जिस तरह बड़े रोबोट में प्रत्येक छोटा रोबोट एक अलग शरीर का हिस्सा बनता है, उसी तरह इन चार तत्वों में से प्रत्येक फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता शरीर के एक हिस्से से मेल खाता है, जो दूसरों के साथ जुड़ने पर निम्नलिखित के माध्यम से संपूर्ण रूप बनाता है। सिर फोकस, अनुसरण करने में ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ये सिर के समान है क्योंकि ये फोकस है जो आपके सिर को खेल में रखता है और आपकी निगाहें पुरस्कार पर। फोकस आपके विचारों को ये पता लगाने में मार्गदर्शन करता है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए और आपको कार्यों को आपके दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करता है। देखिए, अनुसरण करना केवल प्रयास करने के बारे में नहीं है, ये प्रयास करने के बारे में है जो एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है। फोकस के साथ कोई भी प्रयास बर्बाद नहीं होता है। जिसका अनुसरण किया जाता है वो दृष्टि की एक ही रेखा है, इसलिए जिसका अनुसरण किया जाता है वो लक्ष्य की ओर जाने वाला सबसे सीधा रास्ता है। एस्तर की स्थिति पर वापस जाएं, तो यदि वो बिजनेस शुरू करने के अपने सपने पर ध्यान केंद्रित कर रही होती तो वो उस सपने को साकार करने के मद्देनजर गतिविधियों को स्केड्यूल करके अपने खाली समय को बेहतर ढंग से संचरित करती। रीढ़ आत्म अनुशासन का पालन करने की रीढ़ है। आपको अपना सिर झुकाने और जरूरत पड़ने पर काम करने में सक्षम बनाती है, भले ही आप नहीं चाहते हो। ये स्वयं को कंट्रोल करने की क्षमता है, ताकि आप प्रलोभनों और विकर्षणों के बावजूद जो करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित रखें। इस तत्व का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ये वो है जो आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उन उद्देश्यों के लिए कंट्रोल करने की शक्ति देता है जो आपके लिए सार्थक है। आत्म अनुशासन के बिना आप किसी चीज पर तब तक लगातार प्रयास नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। जैसे सिर रीढ़ की हड्डी के साथ निरंतर है, वैसे ही ध्यान आत्म अनुशासन के साथ निरंतर है। यदि आप इस बात पर केंद्रित हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, तो आत्म अनुशासन स्वाभाविक रूप से आएगा। इसी तरह यदि आप आत्म अनुशासित हैं तो आपके लिए जो करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकने से बचना आसान होगा। खुद अनुशासन रीढ़ की हड्डी की तरह आपको सीधा रखता है ताकि आप नीचे ना गिरें। यदि एस्तर में पर्याप्त आत्म अनुशासन होता तो वो अपने सभी खाली समय को केवल मनोरंजन के लिए उपयोग करने से रोकने में सक्षम होती। थोड़ी नींद लेने या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका सारा दिन केवल वही करने में व्यतीत हो जाता है और कोई भी प्रोडक्टिव कार्य नहीं होता है तो संतुलन खो जाता है। आराम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर ये अत्यधिक हो और उचित प्रोडक्टिविटी की जगह ले ले तो ये एक बुराई बन जाती है। हाथ और पैर क्रिया कार्यवाही अनुसरण करने के हाथ और पैर का अर्थ है निष्पादन और सरल गति को प्राथमिकता देना। ये वो चीज है जो केवल फोकस और आत्म अनुशासन से कहीं अधिक अनुसरण कराती है। अनुसरण करना एक इरादा है जिसे क्रियान्वित किया गया है। ये वो क्रिया है जो वास्तविक दुनिया में चीजों को स्थानांतरित करेगी और आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएगी, यानी जहां आप अभी हैं वहां से जहां आपके लक्ष्यों की पूर्ति निहित है।
ये अनुसरण करने का दृश्यमान पहलू है जिसे वास्तव में आपके लक्ष्यों के विरुद्ध देखा, मापा और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यवाही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना योजनाएं अमूर्त बनी रहती हैं और लक्ष्य सपने बने रहते हैं। यदि ऐसा ने अपनी योजना शोध के केवल पहले भाग पर ही काम किया होता तो वो कम से कम अपने मन में रखे सपनों के बिजनेस को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी होती। दिल, दृढ़ता। अंततः अनुसरण करने के मूल में दृढ़ता है। दृढ़ता का अर्थ है किसी चीज पर लंबे समय तक मजबूती से टिके रहना, भले ही आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जो आपको बंधन से हटाने की कोशिश करती है। बाधाओं के बावजूद भी कार्य के मार्ग पर बने रहना ही दृढ़ता है। केवल शुरुआत करना ही काफी नहीं है, जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक आपको इसके साथ बने रहना होगा। अनुसरण करने का अर्थ है बाधाओं, विकर्षणों और असफलताओं के बावजूद भी आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त साहस रखना। जीवन में लक्ष्य बनाने लायक कई लक्ष्यों के लिए सिर्फ तेज दौड़ नहीं बल्कि मैराथन की आवश्यकता होती है। यदि आपका हृदय पूरी लंबाई तक दौड़ने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं है तो आप पाएंगे कि आप आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अंतिम रेखा तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेंगे। क्या एस्तर में अपने सपने को पूरा करने की दृढ़ता थी? ऐसा लगता है कि ये प्रश्न एस्तर के मामले में पूछने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दृढ़ता का प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जब किसी ने वास्तव में लंबे समय तक कई बाधाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की हो। क्योंकि एस्तर शुरू होने से पहले ही रुक गई, इसलिए उसके लिए दृढ़ता का सवाल ही नहीं था। तो आपके पास ये है, अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना। आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता सभी मिलकर एक सुपर रोबोट बनते हैं जिसे आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करना कहा जाता है। अपने भीतर फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता को एक साथ लाने में सक्षम होना, इसके परिणाम स्वरूप हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलते हुए देखना संतुष्टिदायक है। लेकिन अगर इसका पालन करना इतना अद्भुत है तो हम सब इसे हर समय क्यों नहीं करते? संक्षिप्त उत्तर ये है कि ये कठिन है। लंबा उत्तर जो ये भी बताता है कि ये कठिन क्यों है, नीचे विस्तृत में दिया गया है। हम इसका पालन क्यों नहीं करते? जब ये सोचने की बात आती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है या अन्य लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, तो हम आमतौर पर विशेषज्ञ होते हैं। हमारे विचार अनियंत्रित रूप से चलते हैं। हमारे दिमाग में मौजूद ब्लूप्रिंट बहुत अधिक प्रयास के बिना जादुई रूप से लिखे जाते हैं और हमारे सपनों को जीने की मानसिक तस्वीर चीज़ कहने की तुलना में तेजी से ध्यान में आती है। लेकिन जब वास्तव में अपनी कमर कसने और कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात आती है तो हम आमतौर पर न केवल नौसिखिया होते हैं बल्कि अनिच्छुक भागीदार भी होते हैं। जब बात आती है तो हम अक्सर काम पूरा करने के लिए आवश्यक फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता नहीं पा पाते हैं। कभी कभी हम अपने सिर या रीढ़ के बिना ही युद्ध में उतर जाते हैं। अन्य समय में हमारे पास हाथ पैर या हृदय नहीं होते। हम सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम इन हिस्सों को एक साथ आने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन हम युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं और पाते हैं कि ये उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। जिस उत्साह के साथ हमने अपने सभी सपने और योजनाएं सोची थी, जैसे ही हमें एहसास होता है कि उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए, उन योजनाओं को जीवन में लाने के लिए
हमें कितनी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है वो धूमिल हो जाती है। हम इसका पालन नहीं करते हैं और ये क्षमता या बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं है। हम दो मुख्य कारणों से इसका पालन नहीं करते हैं, एक अवरोध युक्तियां, दूसरा मनोवैज्ञानिक बाधाओं का एक पूरा चयन है जो हमें जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने में बाधा डालते हैं। हम उनमें से प्रत्येक को नीचे बारी बारी से कवर करेंगे। निरोधात्मक रणनीति, अवरोध युक्तियां समय और प्रयास का दुरुपयोग करने की हमारी योजनाओं को संदर्भित करती है जिसके अंतिम परिणाम के रूप में हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी जानबूझकर। ये युक्तियां जिनमें एक बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा टालमटोल करना, तीसरा प्रलोभनों और ध्यान भटकाना और चौथा खराब समय प्रबंधन शामिल है। हमें उत्पादक उद्देश्यों के लिए हमारे पास मौजूद समय और ऊर्जा को अधिकतम करने से रोकती है। बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, जिस तरह से हम अपने आप को अनुसरण करने से रोकते हैं वो है बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे कि वे जो बहुत अमूर्त या बिल्कुल असंभव है। बुरे लक्ष्य निर्धारित करना सड़क यात्रा के लिए गलत नक्शा खरीदने जैसा है। ये हमें अनुसरण करने से रोकता है क्योंकि दिशाएं विषम और भ्रमित करने वाली हैं। ये अंततः हमें अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और इच्छा शक्ति खोने का कारण बनता है, जिसे हम अक्सर आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। जब हमारे लक्ष्य बहुत अधिक अमूर्त होते हैं तो हम खुद को खोया हुआ पाते हैं कि उन तक पहुंचने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य स्वस्थ रहना है और फिर भी ये निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि स्वस्थ से हमारा क्या मतलब है, तो इसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाने की संभावना कम है। हम इसका पालन करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कैसे। जब हमारे लक्ष्य इतने ऊंचे और अवास्तविक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता, तो हम स्वयं को बिना पायदान की असंभव रूप से ऊंची सीढ़ी की ओर देखते हुए पाते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि कोई भी हम पर कठिन प्रयास ना करने का आरोप नहीं लगा पाएगा। चढ़ने के लिए पर्याप्त है क्योंकि पहले स्थान पर कोई सीढ़ियां नहीं है। हम पालन ना करने के अपराध से मुक्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए, एक प्लांट मैनेजर को लीजिए जो वास्तविक लॉजिस्टिक सीमाओं के बावजूद विनिर्माण उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। क्योंकि लक्ष्य को किसी तरह से भी हासिल करना असंभव है, इसलिए चाहे वो उस पर अमल करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए वो उसे पूरा करने की परेशानी और ऐसा ना करने के अपराध दोनों से बच जाता है। ये किताब में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली युक्तियों में से एक है। हम किसी तरह काम को तब तक टालने में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं जब तक कि हमें उसे करने की बिल्कुल ज़रूरत ना हो, आखिरी मिनट तक। वास्तव में हम काम में देरी करने में इतने प्रतिभाशाली हैं कि हम दूसरों को और यहाँ तक कि खुद को भी ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम पहले से ही काम कर रहे हैं, भले ही हम काम नहीं कर रहे हों। हमारे द्वारा विलंब करने का एक तरीका अंतहीन योजना बनाना है। हम अपने कार्य के सभी विवरणों की योजना बनाते हैं और एक बार जब हम योजना बना लेते हैं तो हम निर्णय लेते हैं कि या तो योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है या कार्य को ही समाप्त कर देना चाहिए। फिर हम एक नए कार्य की योजना बनाते हैं, वगैरह वगैरह। इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हुए कि हम जो भी योजना बना रहे हैं वो भी एक प्रकार का विलंब है। अंततः इसे उत्पादक विलंब के रूप में जाना जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आप
वास्तव में बस अपनी जगह पर आगे बढ़ रही है। यदि हम किसी कार्य को फिलहाल टालने से बच सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये आसान, आरामदायक और तनाव मुक्त है। इस तरह से बहुत सी सफल कहानियां वैसे ही बन जाती हैं जो होती। बाद वालों की जीवन भर की कड़ी कभी नहीं के फंदे में बुनी जाती। प्रलोभन और ध्यान भटकाना। यदि ये दोनों ओर खाली दीवारों वाला एक दालान जैसा होता तो अनुसरण करने की सड़क बिना किसी देरी के काफी आसान होती। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप अपना सिर झुकाकर काम कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। ये सड़क सभी प्रकार की चमकदार वस्तुओं, चमचमाते मार्ग चिन्हों और आकर्षक विश्राम स्थलों से सुसज्जित है। प्रलोभन और ध्यान भटकाने वाली चीजें आजकल बहुत आती हैं। कुछ इस तरह, हमारे फोन स्क्रीन पर एक लाल अधिसूचना अलर्ट के रूप में सरल हमारे दिमाग में अच्छा महसूस कराने वाले रसायनों को भर देता है, जो बदले में हमें और भी लंबे समय तक अपने फोन से चिपकाए रखता है। उदाहरण के लिए एक मार्केटिंग ऑफिसर को लीजिए, जिसे एक नए प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान विकसित करने का काम सौंपा गया है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे किस शोध की आवश्यकता है, उसे कौन सी रिपोर्ट लिखनी है, किन प्रस्तुतियों की तैयारी शुरू करनी है, लेकिन कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अनुसरण करने और फोकस बनाए रखने के बजाय उसके घंटे स्नैपचैट वार्तालापों, यूट्यूब बिंग्स और अंतहीन इंस्टाग्राम स्क्रॉल से भरे हुए हैं। अंततः अनुसंधान पूरा हो सकता है, रिपोर्टें लिखी जा सकती हैं और प्रस्तुतियां तैयार की जा सकती हैं, लेकिन इससे उसकी वास्तविक क्षमता प्रतिबिंबित होने की संभावना नहीं है। लेकिन निसंदेह हम प्रलोभनों और विकर्षणों की दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आखिरकार वे मुख्य समस्या नहीं है। मुख्य समस्या ये है कि हमारे पास उनसे ठीक से निपटने की जानकारी का अभाव है। हालांकि वे सड़क के दोनों ओर बहुतायत में आ सकते हैं, फिर भी हम दो तरीकों से स्थिति का प्रबंधन कर सकते हैं, एक रणनीतिक बचाव और दो स्वस्थ मध्यम उपयोग। सबसे पहले हम प्रलोभनों और विकर्षणों से बचने के लिए रणनीतियां लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सोशल मीडिया से बार बार आने वाली सूचनाओं से विचलित हो जाते हैं तो हम समय के ब्लॉक निर्धारित कर सकते हैं, जिसके दौरान हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सोशल मीडिया खातों से लॉग आउट हो जाते हैं। दूसरा, हम प्रलोभनों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से स्वस्थ और उत्पादक तरीके से निपट सकते हैं। हमें अपने शेष जीवन के लिए आकर्षक और आनंददायक अवकाश गतिविधियों से खुद को वंचित करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हम अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़ सकें। वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन गतिविधियों में हमें आनंद आता है उनमें शामिल होकर खुद को एक अच्छा ब्रेक देने से हमें रिचार्ज करने में मदद मिलेगी, ताकि हम बेहतर काम कर सकें। उन गतिविधियों को स्वस्थ तरीके से करने के लिए पर्याप्त अनुशासन रखना ही कुंजी है। उदाहरण के लिए, हम समय समय पर खुद को 10 मिनट के ब्रेक के साथ पुरस्कृत कर सकते हैं, जिसके दौरान हम एक निर्धारित मात्रा में काम पूरा करने के बाद वापस लॉगिन करते हैं और अपने सोशल मीडिया खातों की जांच करते हैं। खराब समय प्रबंधन। करने के लिए बहुत कुछ है और इसे करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आपने कितनी बार ये शब्द किसी सहकर्मी, परिवार के सदस्य या दर्पण में आपकी ओर देख रहे व्यक्ति द्वारा बोले गए सुने हैं, और आप कितनी बार देख पाए हैं कि उनके पास समय की कमी नहीं थी, बल्कि अपने समय का उत्पादक ढंग से उपयोग करने की क्षमता थी। हम सभी के पास दिन में समान समय होता है।
समय प्रबंधन समय का इस तरह से उपयोग करने का अभ्यास है जिससे उत्पादकता और दक्षता अधिकतम हो। अच्छे समय प्रबंधन में न केवल कार्यों को स्केड्यूल करने की क्षमता शामिल होती है बल्कि ये पहचानने की अंतर्दृष्टि और अच्छा निर्णय भी शामिल होता है कि कौन सा कार्य कब करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा आरंभ में नियोजित कार्यों को करने के लिए आत्म अनुशासन और तदनुसार संसाधनों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अच्छे समय प्रबंधन के साथ एक स्केड्यूल को चतुराई से व्यवस्थित किया जाता है और फिर तुरंत उसका पालन किया जाता है, इसलिए कार्य योजना के अनुसार पूरे हो जाते हैं। दूसरी ओर खराब समय प्रबंधन में योजना, संगठन, फोकस और आत्म अनुशासन की कमी शामिल है। हम कार्यों को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं या गलत अनुमान लगाते हैं कि उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा, जिससे एक डोमिनोज प्रभाव पैदा होता है जो हमारी बाकी योजनाओं को गड़बड़ा देता है। हमने जिन गतिविधियों की योजना बनाई है उनके लिए आवश्यक संसाधनों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें उपलब्ध कराने में हम विफल रहते हैं, जिसके कारण देरी और रद्दीकरण होता है। हम अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देने में असफल हो जाते हैं। इसके बजाय अपना समय गैर जरूरी कार्यों में व्यतीत करना चुनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असफल प्रयास होते हैं। 21वीं सदी में जीवन कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने की हमारी क्षमता को चुनौती दे रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रौद्योगिकी के कारण पहले से कहीं अधिक काम के घंटों के साथ साथ अधिक मनोरंजन के विकल्प भी उपलब्ध हो गए हैं। अब हमें वो 24 घंटे पर्याप्त नहीं लगते हैं जो हमें एक दिन में चाहिए और जो हम करना चाहते हैं वो सब पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी मांगों और जीवन शैली के साथ खराब समय प्रबंधन आदर्श बन गया है, और सबसे अच्छा समय प्रबंधन एक ऐसी महान शक्ति है जिसमें केवल प्रबुद्ध लोग ही महारत हासिल कर पाए हैं। और यदि हम अपने दैनिक कार्यों के लिए भी समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हम अपने बड़े कार्यों के लिए समय निकालने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जीवन योजनाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमारे मानस में आंतरिक अक्सर अचेतन तंत्र को संदर्भित करती है जो आगे बढ़ने में बाधाओं के रूप में कार्य करती है। इन तंत्रों में से है 1 आलस्य और अनुशासन की कमी, 2 निर्णय अस्वीकृति और असफलता का डर, 3 असुरक्षा के कारण पूर्णतावाद और 4 आत्म जागरूकता की कमी। ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं बाहरी कार्यवाही को रोकने के लिए आंतरिक रूप से काम करती है, इस प्रकार हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आलस्य और अनुशासन की कमी कभी कभी हमारे द्वारा अनुसरण ना करने का कारण इतना सरल हो सकता है कि जितना कि बहुत आलसी होना और ऐसा करने के लिए अनुशासन का अभाव। हमारा आलस्य हमें सोफे से उठकर उन महत्वपूर्ण कार्यों पर काम करने से रोकता है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाएंगे। अनुशासन की कमी के कारण हम अपना समय ध्यान भटकाने वाली बातों और प्रलोभनों में बर्बाद कर देते हैं। हम अपने कैलेंडरों की योजना बना सकते हैं, अपने कार्यों की सूचियां तैयार कर सकते हैं और बाकी सब कुछ जो हमें चाहिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह हमारे अंदर बस शुरू करने, बस करने और बस प्रयास करते रहने की इच्छा शक्ति और अनुशासन की कमी होती है। हम देखते हैं कि बलिदान चाहे हमें कितना भी छोटा क्यों ना करना पड़े और हम निर्णय लेते हैं कि ये इसके लायक नहीं है। इच्छा शक्ति वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को सक्रिय करती है, जबकि अनुशासन वो फोकस है जो उस ऊर्जा को निर्देशित करता है ताकि हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन को चालू करने का
कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हमारे शरीर बस अपनी निष्क्रिय अवस्था में बने रहेंगे, कभी भी इसका पालन नहीं करेंगे। निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर। कल्पना कीजिए, लारा एक स्थानीय संगठन की स्वयंसेवक है जो कम भाग्यशील बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। उसके पास एक धन उघाने वाले अभियान का विचार है जो अधिक प्रायोजकों को लाएगा। वो योजना बनाती है कि उसे क्या करना है और शोध करती है कि चीज़ों को पूरा करने के लिए उसे किससे बात करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो गेंद को घुमाने के लिए पहली कॉल करती, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो झिझकती है और सोचती है, क्या होगा यदि मैं इस अभियान का आयोजन करूं लेकिन कोई भी इसके लिए साइन अप ना करे? क्या होगा यदि हमारे समुदाय के नेता मेरे विचार का समर्थन करते हैं लेकिन वो असफल हो जाता है? क्या होगा यदि हम वास्तव में प्राप्त होने वाले धन से अधिक धन खर्च कर दें? इसलिए वो इस विचार को पूरी तरह से छोड़ देती है और तुरंत आसानी से सांस लेना शुरू कर देती है। जिस चीज ने लारा को आगे बढ़ने से रोका वो था उसका निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर। उसके लिए पालन ना करना आत्मसंरक्षण का कार्य था, विफलता के दर्द से खुद को बचाने का एक तरीका था। क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं मांगा इसलिए उसे कभी अस्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि वो कभी किसी लक्ष्य के पीछे नहीं गई इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इसमें असफल रही। इस प्रकार निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमारा मानना है कि कार्यवाही से दूर रहने से हम किसी भी आउटपुट के उत्पादन की संभावना को रद्द कर देते हैं जो मूल्यांकन या निर्णय के अधीन हो सकता है। और यदि हमारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तो हमें अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। यदि हम उन चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करते हैं, विशेष रूप से वे चीज़ें जो हमें चुनौती देती हैं, तो हम असफल नहीं हो सकते। हालांकि ये तर्क में विनाशकारी विकृतियां हैं। कार्य ना करने और अनुसरण ना करने से हमने शुरुआत करने से पहले ही स्वयं को परख लिया है और अस्वीकार कर दिया है। हम पहले ही उस क्षण असफल हो चुके हैं जब हमने प्रयास ना करने का निर्णय लिया। असुरक्षा से बाहर पूर्णतावाद। पॉल कई सालों से प्रमोशन के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है। वो अपने पेशेवर ज्ञान और कौशल को उन्नत करने, सेमिनारों में भाग लेने, प्रमाणन परीक्षा देने और ग्रेजुएशन कक्षाओं में दाखिला लेने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि उसका बायोडेटा एकदम सही हो ताकि जब वो प्रमोशन के लिए आवेदन करे तो उसे ये यकीन हो कि उसे ये मिलेगी। पॉल के लिए ये या तो पूर्णता थी या कुछ भी नहीं। कई साल बीत गए और उसने अब तक कभी भी उच्च पद के लिए आवेदन नहीं किया। उसकी साख उसे पर्याप्त अच्छी नहीं लगी और ऐसा कभी नहीं लगा। उसका पूर्णतावाद उसके डर और असुरक्षा से पैदा हुआ था कि वो पर्याप्त अच्छा नहीं था, जिसने पॉल को आगे बढ़ने से रोका। ऐसी कार्यवाही करने के बजाय जो उसे आगे बढ़ाएगी, उसने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। अत्यधिक योजना बनाना और पूर्णता के लिए प्रयास करना अंततः ठहराव की ओर ले जाता है। बाहरी दुनिया के लिए ऐसा लग सकता है कि पॉल अपने लक्ष्यों की ओर काम करने में व्यस्त था, लेकिन वास्तव में वो अपने पूर्णतावाद के कारण वास्तव में लक्ष्य का पालन करने से आंतरिक रूप से बाधित था। आत्म जागरूकता का अभाव। अंत में आत्म जागरूकता की कमी भी आगे बढ़ने में एक मनोवैज्ञानिक बाधा हो सकती है। क्योंकि हम अक्सर गलतियां करने और अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने से डरते हैं, इसलिए हम कभी भी ये नहीं सीख पाते कि हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी कई रुचियां, जुनून और प्रतिभाएं हमेशा के लिए हमसे छिपी रहती हैं और
अपनी वास्तविक क्षमताओं को ना जानते हुए हम आश्वस्त रहते हैं कि हम कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे, भले ही हमने कोशिश की हो। इसलिए हम अपनी योजनाओं पर अमल नहीं करते हैं और ऐसा करते हुए खुद को जीवन भर ठहराव में फंसा लेते हैं। इससे भी अधिक हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम ठहराव के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि हमारे पास आत्म जागरूकता का भी अभाव है जिसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपना व्यस्त जीवन जीना जारी रखते हैं इस विचार से संतुष्ट होकर कि हम संभवतः पहले से अधिक मेहनत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को उन छोटी छोटी बातों से दूर कर देते हैं जिनमें हम खुद को व्यस्त रखते हैं और बड़ी तस्वीर पर एक लंबी नज़र डालते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम उन चीज़ों पर अमल करने से बच रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। तो आपके पास ये है उन कारणों की सूची जिनके कारण हम इसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम उत्साह और जोश के साथ शुरुआत करते हैं लेकिन अंत में बहाने और स्पष्टीकरण देते हैं। हम प्रत्याशा से शुरू करते हैं लेकिन अंत में बहानेबाजी पर उतरते हैं, और अक्सर जो हमारे सामने है हम उससे परे देखने की जहमत नहीं उठाते क्योंकि जो हमारे सामने है वो आसान और सुविधाजनक है। हम में से एक हिस्सा ये नहीं जानना चाहता कि इससे आगे क्या संभव है, क्योंकि हम इसे चाहने से डरते हैं और कड़ी मेहनत करने से डरते हैं जो हमें वहाँ ले जाएगी। लेकिन एक पल के लिए साहस रखें और अपने व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए विचार करें कि यदि आप एक आदत का पालन करते हैं तो आपका जीवन कैसे अलग होगा। अगर हम इसका पालन करें तो क्या होगा, इस पर चलना अधिक कठिन रास्ता है, लेकिन इससे मिलने वाले लाभ यात्रा को संघर्ष के लायक बनाते हैं। यदि आप अनुसरण करने की आदत विकसित करते हैं तो आप अपनी उत्पादकता बढ़ाने, हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम होंगे। आपके शैक्षणिक और करियर लक्ष्य आपके जीवन में वास्तविक मार्गदर्शन होंगे, बजाय इसके कि ये केवल दिवास्वप्न बनकर निराशा में बदल जाए। अनुसरण करने वाला व्यक्ति होने से आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप लगातार अपने वादे निभाते हैं, आप अपने पर्यवेक्षकों, अपने सहकर्मियों और अपने कर्मचारियों का विश्वास हासिल करेंगे और बनाए रखेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। वे जानते हैं कि वे आपकी बात पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको अपनी योजनाओं पर काम करते और अपने वादों को पूरा करते हुए देखा है। इसके अलावा इसका पालन करने से आपको अपने साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। अनुसरण करना आपको अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, क्षमताओं और भय के साथ अधिक निकटता से संपर्क करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपको अपने अचेतन भय और आप पर पड़ने वाले समाज के दबावों का गुलाम बनने के बजाय अपने जीवन का प्रभार लेने का मौका मिलता है। संक्षेप में, अनुसरण करना फोकस, कार्यवाही और दृढ़ता का शक्तिशाली संयोजन है। ये वो शक्ति है जो आपको उच्च व्यावसायिक उपलब्धियों, बेहतर रिश्तों और अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि की ओर ले जाती है। हालांकि रणनीति आधारित और मनोवैज्ञानिक आधारित दोनों ही बाधाएं अक्सर आपको अपने सपनों और लक्ष्यों पर लगातार आगे बढ़ने से रोकती हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपके अंदर कुछ करने का जुनून और प्रेरणा हो, लेकिन रास्ते में आपके भीतर की आग कहीं ना कहीं बुझने की संभावना है। इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, फिर अपने को सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक उपकरणों से लैस करें ताकि आप जो चीज़ें शुरू कर रहे हैं उस पर अमल कर सकें।
इस अध्याय की शुरुआत में बताई गई एस्थर की कहानी को याद करें। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की उम्मीद में छुट्टी ली, लेकिन वो असफल रही। अनुसरण करें क्योंकि वो आनंददायक विकर्षणों में लिप्त होने के लिए प्रलोभित थी और उसे अस्वीकृति और विफलता के डर ने घेर लिया था। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सपनों का जीवन बनाने में लगने वाले समय का उपयोग करने के बजाय वो एक ऐसे जीवन में लौट आई जिसमें उसे जीने में आनंद नहीं आया। कल्पना कीजिए, अगर एस्थर को उन बाधाओं के बारे में पता होता जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मान लीजिए कि उसने ऐसे बाधाओं का मुकाबला करने के लिए सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके जवाब दिया या अंततः घर आधारित बेकरी व्यवसाय चलाने में सफल रही। हर दिन वो उस चीज के साथ काम करने के लिए उत्साहित होकर उठती है जिसके बारे में वो भावुक है। उसे हर दिन अपने बेटे के पास बिताने और उसे बढ़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। वो जीवन जी रही होगी जिसका उसने केवल सपना देखा था। अपने जीवन की कहानी पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या आप वास्तव में अपने जीवन में जो चाहते हैं उस पर अमल कर रहे हैं? क्या आप लगातार उन युक्तियों और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का शिकार हो रहे हैं जो आपको ऐसा करने से रोकती है? यदि आपने बाद वाले का उत्तर दिया है तो आगे पढ़ें। निम्नलिखित प्रश्न आपको आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करेंगे और आपको अपने अंदर अनुसरण करने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति विकसित करने का रास्ता दिखाएंगे। चैप्टर 2, भूखे रहना।